दोस्तों Redmi ने कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया था अपनी Redmi Note 11 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स को चाइना में, एंड अब स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में भी जल्द ही लॉन्च होने वाली है। इंडिया में स्मार्टफोन सीरीज रीब्रांड करके लॉन्च होगी। इंडिया में स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi की ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च होने वाली है, एंड जो प्रो एंड प्रो प्लस वेरियंट्स होने वाले हैं वो इंडिया में Xiaomi 11i एंड Xiaomi 11i हाइपर चार्ज के नाम से आने वाले हैं। एंड जो Xiaomi 11i हाइपर चार्ज स्मार्टफोन होने वाला है वो एक रीब्रांडेड वेरियंट होने वाला है Redmi Note 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन का इंडिया में। और इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस को लीक कर दिया गया है। एंड दोस्तों इस स्मार्टफोन की इंडियन लॉन्च डेट भी बाहर निकल कर आ गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में, इस स्मार्टफोन के लीक्ड प्राइस के बारे में, एंड इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों यहाँ आपको टॉप लेवल की बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। एंटी ग्लेयर ग्लास बैक देखने को मिलेगी, एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा, एंड IP53 रेटेड होगा स्मार्टफोन। तो डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ ये स्मार्टफोन होगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की तो दोस्तों स्मार्टफोन 8.34 mm थिक होगा एंड 204 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट होगा। पीछे की साइड यहाँ पे आपको बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको तीन कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी एंड डुअल LED फ्लैश देखने को मिलेगी। नीचे की साइड यहाँ पे आपको Redmi 5G की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिया में स्मार्टफोन जब आएगा तो Xiaomi की ब्रांडिंग के अंदर आएगा, तो यहाँ पे आपको Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड से यहाँ पे आपको पतले पतले बेजल्स देखने को मिलेंगे, एक सेंटर पंच होल देखने को मिलेगा जो कि काफी छोटा होगा, यानी कि 2.96 mm छोटा होगा ये पंच होल। तो दोस्तों डिजाइन भी यहाँ पे आपको काफी तगड़ा मिलने वाला है, फ्लैट एजेस मिलेंगी, तो काफी एक यूनिक सा डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 360Hz का टच स्नैपिंग रेट होगा, 1200 निट्स की यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, SDR10 सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन, Wide 1 L1 सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन, एंड दोस्तों यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोडक्शन इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले भी यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल की मिलने वाली है इस स्मार्टफोन में, एक यहाँ पे आपको काफी तगड़ी सी डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें कैमरास की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा जो कि होगा सैमसंग का HM2 सेंसर, 8 मेगापिक्सल का होगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एंड 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मैक्रो कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो पीछे की साइड यहाँ पे आपको सेम कैमरास देखने को मिलेंगे जैसे कि Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन में थे। बात करें सेल्फीज की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, एंड मैंने आपको बताया ये पंचोल काफी छोटा होने वाला है, 2.96 mm ये पंचोल छोटा होगा। बात करें इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तो दोस्तों यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 920 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि काफी नया प्रोसेसर है, एक 5G प्रोसेसर है, एंड दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, एंड डे टू डे यूजेस में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस स्मार्टफोन में। 6GB/8GB यहाँ पे आपको LPDDR4X RAM देखने को मिलेगी, एंड 128GB/256GB UFS 2.2 स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट्स भी यहाँ पे आपको अच्छे मिलने वाले हैं, अप टू 256GB स्टोरेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड अप टू 8GB यहाँ पे आपको रैम भी देखने को मिलेगी। बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छा साइज है बैटरी का, एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 120W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मेन हाईलाइट इस स्मार्टफोन की यही है कि यहाँ पे आपको 120W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, जो कि आपके स्मार्टफोन को 0 to 100% करने में सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम लेगी। बात करें इस स्मार्टफोन की मल्टीमीडिया की तो यहाँ पे आपको JBL ट्विन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, हाईरेस ऑडियो एंड हाईरेस ऑडियो वायरलेस सर्टिफाइड होगा स्मार्टफोन, एंड यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर्स भी देखने को मिलेंगी। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस तो काफी तगड़ा होने वाला है आपका इस स्मार्टफोन में, एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों यहाँ पे आपको MIUI 12.5 देखने को मिलेगा, जो कि Android 11 पर बेस्ड होगा। अभी के लिए यहाँ पे आपको Android 11 मिल रहा है, लेकिन कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में आपको इस स्मार्टफोन में MIUI 13 एंड Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल 4G वोल्ट होगा, Wi-Fi 6 होगा, ब्लूटूथ 5.2 होगा, GPS का सपोर्ट होगा, NFC का भी सपोर्ट होगा, एंड दोस्तों ये Xiaomi का स्मार्टफोन है तो आयर ब्लास्टर भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा,
जी हाँ दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। कॉस्ट कटिंग इसका रीजन हो सकता है। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन होगा एंड दोस्तों वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें कुछ और फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इम्प्रूव्ड वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। रेडमी ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है पिछले स्मार्टफोनों के मुकाबले यहाँ पे आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी इस वाले वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग सिस्टम में। बात करें इस स्मार्टफोन के कलर वेरियंट्स की, तो दोस्तों स्मार्टफोन वैसे तो तीन कलर वेरियंट्स में आता है, मिस्टी फॉरेस्ट, क्वाइट पर्पल एंड मिस्टीरियस ब्लैक कलर में। लेकिन दोस्तों चाइना में इस स्मार्टफोन का एक लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है यीबो डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स देखने को मिलती है एंड डार्क ग्रीन पीछे की साइड कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बात करें इस स्मार्टफोन के लीक्ड इंडियन प्राइस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया में 22,000 से 25,000 रुपए के प्राइस में लॉन्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये लीक्ड प्राइस है, कोई कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि ये इसी प्राइस पॉइंट के बीच में लॉन्च होगा। बात करें इस स्मार्टफोन की इंडियन लॉन्च डेट की, तो दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में जनवरी 6 को लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको Xiaomi 11i हाइपर चार्ज स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।